नमस्ते, मैं आपके सामने ललित बजाऊंगा। सबसे पहले ललित में आलाप बजाऊंगा और ललित सुबह का राग है, करीब प्रातः 4 बजे का। छोटे बच्चों के लिए जो संगीत को पहली दफ़ा सुन रहे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा कि संगीत एक भाषा है और इस भाषा को समझने के लिए अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक स्वर दूसरे स्वर से क्या कह रहा है। इसमें हम आलाप बजाएंगे, आलाप में हम एक इमेजिनेशन को खींचते हैं, जैसे आप एक ऐसे लिखते हो किसी चीज़ के ऊपर और उसको बढ़ाते जाते हो 100 शब्द 200 शब्द, इस हिसाब से विस्तार होता है। तो हम एक वाक्य कहेंगे, उसके संबंध में दूसरा वाक्य कहेंगे, उसके संबंध में तीसरा वाक्य कहेंगे और एक नैरेटिव बन जाएगा उससे। तो यही मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे सुन रहे हैं वो ये चिंता ना करें कि ये क्या राग बज रहा है, ये किस लिए बज रहा है, बस ध्यान दें कि एक स्वर से दूसरा स्वर कैसे जा रहा है, उसके साथ कुछ लिंक बन रहा है नहीं बन रहा है, इसके बारे में सोचें। तो कला कैसे प्रोग्रेस करती है, कोई भी कला, उसका आपको एक छोटा सा उदाहरण यहाँ मिल जाएगा। राग ललित। Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.
अब मैं आपको शुद्ध सारंग सुनाऊंगा। दोपहर का राग है, इसमें एक छोटी सी अलापती और जोड़, अलाप का कैसे जोड़ होता है एक लय से, और उसके बाद जो छंद चलते हैं झाले में, उसका एक छोटा सा उदाहरण। Thank you.
Thank you.
Thank you.